चलिए 12th of July 2021 हिस्ट्री की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे गांधी जी से। आज हम लोग गांधी एरा के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका समीक्षा अधिकारी मेंस और लोअर मेंस में भी पूछा जाता है, स्पेशली इसका टॉपिक पूछा जाता है। बाकी पीसीएस मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो गांधी एरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले इनके बारे में इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी साहब का जो जन्म हुआ था वो 2nd of October 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी साहब का अल्पायु में ही करीब 13 साल की एज में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया और इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। करमचंद गांधी साहब जो थे वो पोरबंदर, बीकानेर और राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम जो था वो कबा था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में करीब 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा भी की है। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। ये आपका गुजराती में था, हिंदी में था, तमिल में था और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसके बारे में इस तरह से पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रकार किसने निकाला है और यह किस किस भाषा में है या किस भाषा में नहीं है, इस टाइप से होता है। तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी साहब ने फिनिक्स, जो कि डरबन में है साउथ अफ्रीका में, इसमें वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को करीब 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था और इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज भी नहीं किया था। सत्य और अहिंसा जो है गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे और इन्होंने सत्य अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जो थे एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ तथा समाज के हित के साथ हित का ध्यान रखते थे और वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे और गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का मतलब होता है सर्वोदय। तो गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। चलिए इनसे रिलेटेड अब चीज़ों के बारे में लिख लेते हैं। लिखिएगा करमचंद्र गांधी जी पोरबंदर पोरबंदर राजकोट और बीकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम कबा था कबा गांधी था। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन के बारे में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। लिखिएगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। ब्रैकेट में लिखिएगा यह गुजराती हिंदी तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की।
नेक्स्ट है, गांधी जी महात्मा गांधी साहब, महात्मा गांधी साहब दार्शनिक अराजकतावाद के, महात्मा गांधी साहब दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे, समर्थक थे। नेक्स्ट है, सत्य तथा अहिंसा के बारे में बात करें तो सत्य तथा अहिंसा जो है गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। लिखेगा सत्य तथा अहिंसा, सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट भी लिखिएगा। देखिए गांधी जी का काम करने का तरीका एकदम अलग था। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में जो सत्याग्रही था उसका उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं होता था, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना होता था। तो इनका जो तरीका था वो अलग था। और लिखेगा गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में, सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है, उसे अपने अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने कहा था कि, गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व, गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, हिंसा का क्रूरतम रूप है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में ही मुझे लग रहा 2-3 दिन पहले ही योगी जी ने एक उत्तर प्रदेश के लिए जनसंख्या नियंत्रण स्कीम रिलीज़ की है, 2 बच्चे से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं, बहुत सारी की चीज़ें हैं उसमें। तो गांधी जी ने भी इस तरह की एक चीज़ रिलीज़ की थी, उसके बारे में बात करें तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु जो सर्वोत्तम उपाय बताया था वो आपका सेल्फ कंट्रोल बताया था, मतलब आत्मनियंत्रण बताया था। लिखिएगा गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु, ये इम्पोर्टेंट हो गया है, मार्क कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट के तौर पर भी। लिखिएगा गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु, परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय, सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था, सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था, सेल्फ कंट्रोल बताया था। नेक्स्ट है, गांधी जी, गांधी जी लगभग 21 वर्ष तक बाहर रहे थे और गांधी जी 24 की एज में 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। लिखिएगा गांधी जी करीब 21 वर्ष तक, गांधी जी करीब या तकरीब 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। देखिए दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान एक उनके साथ हादसा टाइप का बोल सकते हैं हो गया था, जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और उनको ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। तो उस समय की स्थितियां जो थी बहुत ही ख़राब थी। और जब आप इतिहास पढ़ते हैं और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, जो मुझे बहुत ज़्यादा फील आता है इसको पढ़ के, समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें ऐसी चीज़ों को जीवंत किया गया है, जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो लगता है कि ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। और एक बोल सकते हैं कि अंग्रेज कितने नीच किस्म के लोग थे। तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी साहब को नस्ली भेदभाव का सामना भी करना पड़ा था और एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का प्रवास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने विरोध भी किया था, जिसके फलस्वरूप हुआ ये कि उनको पीटरबर्ग में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर ही फेंक दिया गया। मतलब उनके पास क्लास 1 का टिकट था, उसके बाद उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद अगर उन्होंने प्रतिरोध किया उस चीज़ का तो उनको ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया।
तो ये स्थितियाँ थी उस समय की, जो बोल सकते हैं कि भेदभाव जो होता था। लिखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारित्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था, तो करीब 1901 की बात है जब इन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। लिखिएगा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित आयोजित कांग्रेस के आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था भाग लिया था। तो गांधी एरा से रिलेटेड जो जानकारियाँ थी उनमें अभी स्टार्टिंग में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको, बताई गई हैं आपको, तो उसके पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का एक तरीका और भी है। सबसे पहले तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, और उसके बाद गूगल पर टाइप करेंगे नेक्सस जीएस टेलीग्राम चैनल तो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे फेसबुक प्रोफाइल भी, अगर आप नेक्सस जीएस फेसबुक पर भी लगते हैं तो वहाँ पर मिल जाएगा। हर एक जगह नेक्सस जीएस बहुत आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके अलावा एप्लीकेशन है जिसको मैं बहुत ज़्यादा रन नहीं कर पाता हूँ तो समय के अभाव की वजह से, तो एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर नेक्सस जीएस का, तो वो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन का अपना एक तरीका होता है और उसमें पासवर्ड वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हर एक पर्सन को नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। इसकी वजह से फिर टेलीग्राम पे ही चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है कि कम से कम जो जनरल लोग हैं, जो सामान्य स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके। क्योंकि पेड जो क्लासेस हैं उनके बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है, पेड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके बारे में आप सभी लोगों को पता ही है कि पर्सन टू पर्सन आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और अगर आपको कोई पेज दिया जाता है तो उस पेज में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब में मार्क लगा होता है। ठीक है, तो नेक्सस जीएस का तरीका यही रहा है, पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। पिछले 5 वर्षों से हमारी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, ऑलमोस्ट 2015 से, और ये 2015 से ही ऑनलाइन चल रही हैं। ठीक है, तो हमेशा से ही घर बैठे परीक्षा की तैयारी करें, ये स्टेटमेंट रहा है नेक्सस जीएस का, और लगातार सिलेक्शंस हर एक वर्ष होते रहे हैं। चलिए, फिलहाल 12th ऑफ जुलाई 2021 हिस्ट्री की क्लास के लेते हैं।